हेलो बीजीएमआई लवर्स, कैसे हो आप सब? मस्त तो बिंदास, फर्स्ट क्लास, चेकर्स। तो गाइज हमेशा ऐसे ही रहो और खुश रहो। तो गाइज फाइनली आज के दिन हम लोगों के यहाँ पे M4 रॉयल पास का वीक 4 यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो उसके अंदर के सारे मिशन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। उससे पहले गाइज, अगर आप लोगों ने मेरी स्टेटस हियर चैनल को चेकआउट नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। उस चैनल के ऊपर आप लोगों को न्यू स्टेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, और जैसे ही न्यू स्टेट आएगा तो उस पर अपडेट, इवेंट, मिशन, रॉयल पास, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे आरपी के अंदर। और आरपी में गाइज मिशन के अंदर देखोगे तो वीक 4 में गाइज यहाँ पे फर्स्ट मिशन के अंदर टोटल 3 मिशन दिए गए हैं, जिसमें से कोई भी एक मिशन अगर आप लोग कंप्लीट करते हो तो आपका पूरा मिशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और इसके आपको 125 आरपी पॉइंट मिल जाएंगे। जिसमें फर्स्ट में गाइज आप लोगों को यहाँ पे S6H6 नाम की शॉर्ट गन से 4 एनिमी मारने हैं, सेकंड में आप लोगों को S1897 से 4 एनिमी मारने हैं, और थर्ड में आप लोगों को S12 के नाम की शॉर्ट गन से 4 एनिमी मारने हैं। तो गाइज यहाँ पे इस मिशन के लिए आप लोगों को यहाँ पे मैप में क्लासिक में टोटल जितने भी मैप आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं, आप लोग कोई सा भी मैप लगा के खेल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मिशन के अंदर सिंपल क्लासिक मोड लिखा है। चलिए अब मैं आप लोगों को यहाँ पे शॉटगन बता देती हूँ। तो गाइज यहाँ पे आप लोग इन्वेंट्री के अंदर देख सकते हो, अरे यार मिशन के खुल गए। तो गाइज यहाँ पे आप लोग इन्वेंट्री के अंदर देख सकते हो, गन के ऑप्शन में आप लोग देखोगे तो शॉटगन के अंदर फर्स्ट नंबर पे आप लोगों को S686 नाम की शॉटगन देखने को मिल जाएगी। तो गाइस इस गन से आप लोग किसी भी मैप में जाके एनिमी मारोगे तो आपका मिशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग इस गन से नहीं मारना चाहते तो सेकंड मिशन हमारा S1897 वाला है, तो सेकंड नंबर पे आप लोगों को S1897 भी देखने को मिल जाएगी। तो इस गन से भी गाइस आप लोग एनिमी मार सकते हो, और अगर आप लोगों को इस गन से भी नहीं मारने तो फिर आप लोगों को थर्ड नंबर पर S12K देखने को मिलेगी। इस गन से भी अगर आप लोग एनिमी मारते हो तो आप लोगों का मिशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तीन गन में से जो भी गन आप लोगों को अच्छी लगती है उससे आप लोग क्लासिक मोड में कोई सा भी मैप लगा के एनिमी मार सकते हो। उसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट मिशन की। नेक्स्ट मिशन में गाइज यहाँ पे है इन अ क्लासिक मोड पिकअप द फ्लेयर गन इन 6 मैचेस एज अ स्क्वाड। तो गाइज आप लोगों को क्लासिक मोड में एज अ स्क्वाड 6 फ्लेयर गन पिकअप करनी है और इसके आपको 75 आरपी पॉइंट मिलने वाले हैं। तो गाइज इस मिशन के लिए आप लोगों को यहाँ पे मैप में लिविक नहीं खेलना, क्योंकि लिविक में फ्लेयर गन नहीं मिलती और काराकियन में भी फ्लेयर नहीं मिलती। बाकी के 4 मैप आप लोग लगा के खेल सकते हो, बट 4 में भी आप लोगों को इरेंगल और सैनहोक के अंदर जो थीम मोड है उसको ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि थीम मोड के अंदर भी फ्लेयर नहीं मिलती। ज़्यादातर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग इरेंगल लगा के खेलो, क्योंकि इरेंगल की मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बताऊँगी। गाइज यहाँ पर इस मिशन के अंदर आप लोगों ने देखा होगा तो यहाँ पर एज अ स्क्वाड है, तो एज अ स्क्वाड का मतलब यहाँ पर ये होता है कि इस मिशन को आप लोग डुओ में भी कर सकते हो और स्क्वाड में भी कर सकते हो। बट यहाँ पे गाइज ट्रिक सिर्फ इतनी रहेगी, मतलब कि यहाँ पे कंडीशन सिर्फ इतनी रहेगी कि आप लोग यहाँ पे रॉयल पास परचेस करते हो तो आपका सामने वाला जो मिशन करेगा ना आपके साथ, उसने भी यहाँ पे रॉयल पास परचेस कर रखी होनी चाहिए, और जब आप लोगों का मिशन यहाँ पे ओपन होता है तो उसका मिशन भी यहाँ पे ओपन होना चाहिए। जिससे गाइज होगा क्या कि आप लोग फ्लेयर गन उठाओगे तो आपका मिशन तो काउंट होगा, बट आपका फ्रेंड अगर गेम में फ्लेयर गन उठाता है तो उसका मिशन भी आपके अंदर काउंट होगा। गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अभी मैं आई थी मेल्टा फैक्ट्री के अंदर, जहाँ पे मुझे थोड़ा सर्च करते ही फ्लेयर गन मिल चुकी है। तो गाइज यहाँ पे एज अ स्क्वाड का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि इस मेरे फ्रेंड ने यहाँ पे रॉयल पास भी परचेस कर रखी है, और जब मेरा मिशन ओपन हुआ है तो इसका मिशन भी ओपन हुआ है, तो जल्दी से मैं फ्लेयर गन इसको दे देती हूँ ताकि एक गेम में मेरा 2 बार यहाँ पे पिकअप काउंट हो जाए। और गाइज यहाँ पे इस मिशन के ऊपर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो मैं 1 मिनट मोनिका चैनल पर डाल दूँगी, चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग उस पर भी इस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हो इस मिशन को। उसके बाद चले गाइज हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट मिशन की। नेक्स्ट मिशन में गाइज यहाँ पे ये है फिनिश 15 एनिमीज इन अ रूम और ऑन अ रूफटॉप इन क्लासिक मोड। तो गाइज क्लासिक मोड के अंदर आप लोगों को रूम में या रूफटॉप पे ऊपर 15 एनिमी मारने हैं और इसके आपको 150 आरपी पॉइंट मिलने वाले हैं। बट इसके ऊपर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे स्क्वाड फ्रेंड बूस्ट का ऑप्शन है। तो गाइज इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर रॉयल पास वाले फ्रेंड के साथ इस मिशन को अगर आप लोग करोगे तो आप लोग यहाँ पे मिशन करोगे वो तो आपका काउंट होगा, बट अगर आप लोगों का रॉयल पास वाला फ्रेंड भी इस मिशन को करता है तो उसका मिशन भी आप लोगों के मिशन में काउंट होगा।
इस मिशन के लिए गाइज यहाँ पे मैप में क्लासिक में टोटल 6 मैप है, आप लोग कोई सा भी लगा के खेल सकते हो। इस मिशन को आप लोग सोलो डुओ स्क्वाड किसी में भी कर सकते हो, बट ज़्यादातर मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप लोग डुओ या स्क्वाड में करना रॉयल पास वाले फ्रेंड के साथ, जिसके आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगी जो कि मैंने आपको पहले बता ही दिया है। अब गाइज यहाँ पे क्या है कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इरंगा लगा के गेम को स्टार्ट किया है। एक बंदा गाइज यहाँ पे रूम के अंदर आया तो जल्दी से इसको मैंने रूम के अंदर मार दिया है। तो आप लोगों को भी ऐसे ही करना है, किसी भी रूम के अंदर आपको बंदा मारना है या फिर गाइज आप लोगों को यहाँ पे रूम की कोई भी छत के ऊपर से बंदा मारना है। आप लोग छत पे होगे और छत के ऊपर से आप लोग किसी भी बंदे को मारते हो, भले वो बंदा नीचे हो या फिर कमरे के अंदर हो, लेकिन आपको छत के ऊपर रह के मारना है। जैसे ही छत के ऊपर से आपने बंदा मारा तो आपका मिशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। रोल पास वाले फ्रेंड के साथ करोगे तो उसका मिशन भी आपके अंदर काउंट होगा। उसके बाद चले गाइज हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट मिशन की। नेक्स्ट मिशन में गाइज यहाँ पे टोटल 3 मिशन दिए गए हैं, 3 में से कोई भी एक मिशन अगर आप लोग कंप्लीट करते हो तो आपका पूरा मिशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और इसके आपको 75 आरपी पॉइंट मिल जाएंगे। जिसमें फर्स्ट पे आप लोग देखोगे तो आप लोगों को क्लासिक मोड में सैनहॉक में बोल्ट एक्शन से 6 एनिमी मारने हैं, सेकेंड में आप लोग देखोगे तो इरेंगल में आप लोगों को बोल्ट एक्शन से 6 एनिमी मारने हैं, और थर्ड में आप लोग देखोगे तो आपको मीरामर में यहाँ पे बोल्ट एक्शन से 6 एनिमी मारने हैं। तो गाइज यहाँ पे इस मिशन के अंदर अगर आप लोग मीरामर वाला मिशन करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों को मैप में क्लासिक में सिर्फ और सिर्फ मीरामर लगा के खेलना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप लोग इरेंगल वाला मिशन करना चाहते हो तो आप लोगों को सेकेंड नंबर पे इरेंगल देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग इरेंगल लगा के खेल सकते हो। आप लोग नॉर्मल इरेंगल भी लगा सकते हो और इरेंगल के अंदर थीम मोड भी आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो। और अगर आप लोग यहाँ पे सैनहॉक वाला मिशन करना चाहते हो तो आपको गाइज नेक्स्ट पे यहाँ पे सैनहॉक भी देखने को मिल जाएगा, तो सैनहॉक में भी आप लोग थीम मोड ऑन करके भी खेल सकते हो या फिर यहाँ पे आप लोग नॉर्मल मोड लगा के भी खेल सकते हो। अगर गाइज यहाँ पे तीनों में से कोई सा भी एक मिशन आप लोग करना चाहते हो और नॉर्मल मोड वाला मिशन करना चाहते हो तो मैं आप लोगों को बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल बता देती हूँ, जो कि इन्वेंट्री के अंदर गन के अंदर आप लोग देख सकते हो। यहाँ से गाइज मैं बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल कर लेती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज यहाँ पे कार 98 है, तो कार 98 आप लोगों को मीरामर, इरेंगल और यहाँ पे सैनहॉक तीनों मैप में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट आप लोगों को M24 है, तो M24 भी आपको तीनों मैप में देखने को मिलेगी। उसके बाद AWM है, तो AWM भी आप लोगों को तीनों मैप में देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको ड्रॉप के अंदर से लूटनी पड़ेगी। फोर्थ नंबर पे गाइज यहाँ पे Win94 है, तो ये जो Win94 है वो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मीरामर और सैनहॉक के अंदर मिलेगी। और उसके बाद यहाँ पे मोहसिन नगिन स्नाइपर राइफल है, तो मोहसिन नगिन सिर्फ आपको इरंगल के अंदर मिलेगी, ठीक है। तो जब आप लोग नॉर्मल मोड खेलो तो 5 में से किसी भी गन से आप लोग यहाँ पे 3 में से कोई सा भी एक मैप सिलेक्ट करके उसके अंदर रहने में मार सकते हो। और गाइज यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे मैप के अंदर इरंगल और सैनहॉक के अंदर जो थीम मोड है ना उसको ऑन करके खेलते हो तो उसके अंदर आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। अब गाइज अगर आप लोग यहाँ पे इरेंगल और सैनहॉक के अंदर थीम मोड खेलना चाहते हो तो दोनों मैप में आप लोगों को यहाँ पे शॉप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो उसके अंदर आप लोग यहाँ पे AWM भी ले सकते हो 9000 कॉइन से, या फिर M24 आप लोग 4000 कॉइन से यहाँ पे ले सकते हो। दोनों में से कोई भी एक गन आप लोग परचेस करो और उससे भी गाइज यहाँ पे आप लोग बंदे मारोगे तो भी आपका मिशन कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट मिशन की। नेक्स्ट मिशन में गाइज यहाँ पे टोटल 2 मिशन दिए गए हैं, जिसमें कोई भी एक मिशन अगर आप लोग कंप्लीट करोगे तो आपका पूरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा और इसके आपको 75 आरपी पॉइंट मिल जाएंगे। जिसमें फर्स्ट पे गाइज आप लोगों को क्लासिक मोड में यूजी से 12 एनिमी मारने हैं और सेकेंड में आप लोगों को यहाँ पे एरिना में यूजी से 100 एनिमी मारने हैं। तो गाइज यहाँ पे दोनों में से अगर आप लोग एरिना वाला मिशन करना चाहते हो तो यहाँ पे मोड के अंदर आपको थर्ड नंबर पे एरिना देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे एरिना ट्रेनिंग है, उसमें आपको टेबल पे गन रखी हुई देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे टीम डेथ मैच, डोमिनेशन और यहाँ पे एसल्ट है, उसके अंदर क्या करना है कि यहाँ पे लोड आउट का फीचर है, उसमें से 4 में से किसी भी एक लेयर पे क्लिक करके आप लोगों को गाइज यहाँ पे UMP वाले निशान में यूजी देखने को मिल जाएगी। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देखोगे तो इसके अंदर एक यूजी एक्सटी नाम की गन भी आती है, तो आप लोग यूजी एक्सटी को इक्विप मत करना, क्योंकि यूजी एक्सटी से आप लोग किल करोगे तो वो आपके काउंट नहीं होगे। आप लोग नॉर्मल एक्सटी को यहाँ पे इक्विप कर दो, यहाँ पे ढेर सारे उसके सूटेबल अटैचमेंट है, जो भी आप लोगों को सूटेबल लगता है सारे अटैचमेंट को आप लोग इक्विप करके फिर गाइज लास्ट में आप लोग यहाँ पे
यूजी को भी इक्विप कर देना। उसके बाद गाइस क्या करना कि यूजी से आप लोग यहाँ पे ज़्यादातर हो सके तो यहाँ पे आप लोग डोमिनेशन लगा के खेलना, क्योंकि गाइस डोमिनेशन में ढेर सारे किल होते हैं तो आप लोगों के 100 किल आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो इस मिशन को आप लोग इस तरीके से कर सकते हो, या फिर अगर आप लोग क्लासिक मोड वाला मिशन करना चाहते हो तो उसके लिए क्लासिक में यहाँ पे टोटल 6 मैप है, 6 में से कोई सा भी लगा के खेलो, सारे मैप में आप लोगों को यूजी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए गाइस आपकी चॉइस है, दोनों में से जो मिशन आपको करना है आप लोग कर सकते हो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट मिशन की। नेक्स्ट मिशन में गाइज यहाँ पे ये है, पिकअप द स्मोक ग्रेनेड इन 15 मैचेस इन क्लासिक मोड। तो क्लासिक मोड के अंदर आप लोगों को 15 मैच में स्मोक ग्रेनेड पिकअप करने हैं और इसके आपको 75 आरपी पॉइंट मिलने वाले हैं। तो गाइस इस मिशन के लिए आप लोगों को यहाँ पे मैप में क्लासिक में टोटल 6 मैप देखने को मिलेंगे, 6 में से आप लोग कोई सा भी मोड लगा के खेल सकते हो। और 3 मोड के अंदर यहाँ पे थीम चल रही है फ्लोरा मिनस की, तो 3 में से ये वाले भी आप लोग खेल सकते हो। सिंपली मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप लोग लिविक लगा के खेलना। गाइस यहाँ पे जैसे ही आप लोगों की गेम स्टार्ट होती है तो आप लोगों के पास थोड़े से कॉइन हो जाए तो शॉप के ऊपर क्लिक करके लास्ट में 4th नंबर पर आपको इसमें स्मोक ग्रेनेड देखने को मिल जाएंगे, तो टोटल 3 स्मोक ग्रेनेड आप लोग यहाँ से मंगा सकते हो। 200 का एक है, तो अगर आपके पास 200 भी कॉइन हो जाते हैं तो जल्दी से आप लोग यहाँ पे स्मोक ग्रेनेड मंगा सकते हो। तो देखो गाइज यहाँ पे स्मोक ग्रेनेड आ चुका है, तो ये वाली ट्रिक बहुत ही अच्छी है क्योंकि लिविक मैप के अंदर तो गाइज यहाँ पे आप लोगों को एक ही बार में 200 स्मोक ग्रेनेड मिल जाएंगे। और यहाँ पे एक गेम में आप लोग ढेर सारे उठा लो तो ढेर सारे काउंट हो गए ऐसा नहीं होता, एक गेम के अंदर आपका एक ही स्मोक ग्रेनेड काउंट होगा, ऐसे करके आप लोगों को अलग अलग मैच में उठाना है। उसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट मिशन की। नेक्स्ट मिशन में गाइज यहाँ पे ये है, हिट प्लेयर्स विद द फॉर्मास 80 टाइम इन क्लासिक मोड। तो गाइज आप लोगों को यहाँ पे फॉर्मास गन से प्लेयर को 80 बार हिट करना है और इसके आपको 75 आरपी पॉइंट मिलने वाले हैं। तो गाइस इस मिशन के लिए आप लोगों को मैप में क्लासिक में सिर्फ और सिर्फ लिविक लगा के गेम को स्टार्ट करना है, क्योंकि जो फोमास गन है वो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ लिविक में ही मिलेगी। गाइस यहां पे आप लोग देख सकते हो अभी मैं आ चुकी हूं लिविक मैप के अंदर और यहां पे घर के अंदर एंटर होते ही मुझे फोमास गन मिल चुकी है। आप लोग गन को अच्छे से देखो, इसी गन से गाइस यहां पे आप लोगों को 80 एनिमी को हिट करना है। अब हिट कैसे करना है वो मैं आपको अच्छे से बताऊँ। तो गाइस यहां पे आप लोग देखो यहां पे एक बोट है, ठीक है। तो अब यहां पे मैं क्या कर रही हूं कि सिंगल शॉर्ट करके यहाँ पे मैंने इसको एमओ फायर की, तो यहाँ पे इसको एक गोली लगी और एक गोली में ही यहाँ पे ये मर चुका है। तो गाइस ऐसे ही जैसे आप लोगों के सामने एनिमी आते हैं तो उनको आपको उन पे फायर करना है और जितनी गोली आपको लगेगी ना उतनी गोली काउंट होगी। जैसे ही 80 एमओ एनिमी को लग जाती है तो गाइस यहाँ पे आप लोगों का मिशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट मिशन की। नेक्स्ट मिशन में गाइस यहाँ पे ये है, फिनिश इन द टॉप 3 विद फ्रेंड्स 3 टाइम इन क्लासिक मोड। तो गाइस क्लासिक मोड के अंदर आप लोगों को यहाँ पे फ्रेंड के साथ 3 बार टॉप 3 में आना है और इसके आपको 75 आरपी पॉइंट मिलने वाले हैं। तो गाइस इस मिशन के लिए आप लोगों को यहाँ पे मैप में क्लासिक में टोटल 6 मैप है, आप लोग कोई सा भी लगा के खेल सकते हो। ज़्यादातर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी आप लोग लिविक लगा के खेलना, क्योंकि लिविक मैप छोटा होता है तो गेम आपकी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। गाइस अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम लोग यहाँ पे एक गेम खेले थे जिसमें मैं यहाँ पे 3rd नंबर पे आई हूँ। तो यहाँ पे गाइस अगर आप लोग यहाँ पे 1st पे आते हो, 2nd पे आते हो या 3rd पे आते हो, 3 में से किसी भी नंबर पे आप लोग आओगे तो गाइस यहाँ पे आप लोगों का मिशन कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं मेरे फ्रेंड के साथ इस मैच को खेली हूँ, तो आप लोगों को भी फ्रेंड लिस्ट में से किसी भी बंदे को बुलाना है और इसके साथ डुओ या स्क्वाड में आप लोगों को 1st, 2nd या 3rd 3 में से किसी भी नंबर पर आना है, जिससे आपका मिशन यहाँ पर कम्प्लीट हो जाएगा। तो गाइज आई होप आप लोग सारे मिशन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके अंदर आप लोगों को कोई सा भी मिशन हार्ड लगता हो तो उसका डिटेल वीडियो आप लोगों को 1 मिनट मोनिका चैनल पे देखने को मिल जाएगा। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके चेकआउट ज़रूर से करना। साथ ही में स्टेटस हियर चैनल को चेकआउट करना मत भूलना। गाइज वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय।